हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका 10th लेवल से अपग्रेड होना शुरू कर देता है। यानी आपके 10th पोर्शन से शुरू होता है और 12th पोर्शन पे देन आईआईटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। ठीक है बेटा, तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है सिक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। आने वाले जो टॉपिक बाय टॉपिक है आपके धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिक्वेंस एंड सीरीज में ऐसा क्या है। तो बेटा सिक्वेंस एंड सीरीज जो एक्चुअली बेस्ड है इसका इसका मतलब यह है कि पेयर बनाने है। कि भाई अगर मैं किन्हीं भी एनथ टर्म का सम ले रहा हूं जिनका सिक्वेंस सेम है, मैं सिंपली कह रहा हूं 1 to 10 का सम कितना होगा, 1 to 10 का सम कितना होगा, तो आपको पता 1 + 2 + 3 + 4 + 10 और अगर मैं पेयर यहां पे बनाऊं 1 और 10 का पेयर कितना होगा, यानी 1 + 10 11, 2 + 9 11, 3 + 8 11, 4 + 7 11। यानी मैं देख रहा हूं यहां पे पेयर जो सम बन रहे हैं, पेयर का जो सम बन रहा है वो सब में क्या बनना, 11 बनना। बस सिंपल सी बात, 11 पेयर, 11 एक किन्हीं भी दो पेयर का सम 11 है और कितने पेयर बनेंगे 10 में, भाई सिंपल सी बात 10 नंबरों में कितने पेयर बनेंगे, 5 पेयर। तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 55। बात समझ आए? तो एक्चुअल में जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो पेयर कॉन्सेप्ट से निकल के आया इनिशियली। तो अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बेसिक से फंडामेंटली सॉल्व करने के इसमें कुछ चीज समझने बहुत जरूरी है। तो जैसे सिक्वेंस, कि एक सिक्वेंस क्या है भाई, सिक्वेंस आपका एक पर्टिकुलर नंबरों का एक पैटर्न है। मैं उसे पर्टिकुलर नंबरों को क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ द नंबर। यानी सिक्वेंस क्या है, सिक्वेंस है सेट ऑफ नंबर। कौन से नंबर, डेफिनेट नंबर, जैसे 2 4 6 8 10, सेट ऑफ 5 इवन नंबर, दिस इज सीक्वेंस ए बी सी डी ई, दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस। कि कोई भी आपका नंबर हो, सेट ऑफ द नंबर है एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। प्रॉपर सीक्वेंस मतलब कि कहीं क्लास में आप 10 बच्चे बैठे हो, पहली सीट से स्टार्टिंग क्या बैठना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टीचर क्या कहता है, बेटा सिक्वेंसली बैठ जाओ, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर सेट के रूप में बैठ जाओ। ठीक है, तो ये होता है आपका सीक्वेंस। और सीरीज क्या है, सीरीज है अगर मैं इस एक्सप्रेशन को, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिखता हूं, अगर मैं इन एक्सप्रेशन को मतलब सेट ऑफ द नंबर को इस एक्सप्रेशन में लिखता हूं, उसे मैं क्या ले कहता हूं, सीरीज कहता हूं। बात समझ में आ गई कि एक सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस सेट ऑफ द नंबर है किसी डेफिनेट, डेफिनेट मतलब ये पर्टिकुलर मतलब आपके पास सेट होने चाहिए, इतने सेट है उतने सेट है, दैट इज सीक्वेंस। और उन्हीं सीक्वेंस को अगर मैं एडिशन फॉर्म में लिख दूं, इस तरह के एक्सप्रेशन में लिख दूं, तो मेरा क्या हो जाता है, सीरीज हो जाता है। बात समझ में आ गई, दैट मीन्स अब मैं अगर तुम्हें कहूं बेटा सीक्वेंस और सीरीज में होता है प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन बेटा आपका वो कहलाता है कि अगर किसी सीरीज का, अगर किसी सीरीज का एक पर्टिकुलर पैटर्न में, क्या पैटर्न में लिखा जा रहा है, पैटर्न में लिखने का मतलब क्या हो गया, क्लास में जाते हो आप, एंटर करते हो, टीचर कहता है एक एक सीट छोड़ के बैठ जाओ सब, यानी पर्टिकुलर एक सीरीज बनाते चले जा रहे हैं, नहीं बनाते जा रहे आप कि एक फिर एक सीट छोड़ेगा अगला बैठेगा, यानी एक सीट है, ये 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 सीट है, एक पैटर्न बनाते हुए चलते हैं। एक बच्चा है यहां बैठ गया, एक बच्चे ने एक सीट छोड़ी, फिर एक बच्चा है यहां बैठ गया, इसने सीट छोड़ी, एक बच्चा यहां बैठ गया और लास्ट में एक सीट छोड़ी और एक बच्चा यहां बैठ, यानी ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे। अगर किसी सेट के फॉर्म को यानी सीरीज को या इसको सेट ऑफ द नंबर को पर्टिकुलर पैटर्न के फॉर्म में लिखा जा रहा है, अब पैटर्न कुछ भी हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है,
और डिवीजन का हो सकता है। ये पैटर्न अगर किसी फॉर्म में लिखा जा रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस। अब बात करते हैं एक सीरीज के बारे में। बेटा सीरीज आपके पास दो ही तरह के होते हैं, एक डेफिनेट सीरीज और एक इनडेफिनेट सीरीज। सिंपल सी बात, डेफिनेट सीरीज मतलब जिसमें आपके पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इनडेफिनेट सीरीज मतलब जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। ऐसी सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे और पर्टिकुलर बेसिक नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे, सिंपल से भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? कि कोई भी सीरीज अगर ऐसे पैटर्न में लिखी जा रही है, या तो पर्टिकुलर एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसकी कोई nth टर्म की वैल्यू उससे प्रीवियस वैल्यू के सब्ट्रैक्शन का पॉइंट क्या है? कॉन्स्टेंट है। समझिए इस चीज को। अगर मैं कह रहा हूं आपके पास सीरीज है, अगर an माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अब an क्या भाई? अगर मैं कहूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर डैश 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 an, nth टर्म तक चल रही है सीरीज। मैंने कहा अगर ये कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स अगर यहां पे टू रखता हूं तो यहां पे क्या आएगा? वन ए वन। अगर यहां पे थ्री रखता हूं तो यहां पे कितना आएगा? टू ए टू। अगर यहां पे फोर रखता हूं तो कितना आएगा? थ्री डैश डैश डैश। यहां पे अगर मैं एन रखता हूं तो ए एन माइनस वन। अगर सबका पर्टिकुलर टर्म से माइनस प्रीवियस टर्म एक पर्टिकुलर वैल्यू कॉन्स्टेंट दे रहा है हमको, कॉन्स्टेंट वैल्यू दे रहा है, इन दैट केस हम कह सकते हैं वो कैसी सीरीज है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी एपी सीरीज है। बात समझ में आ गई? यही कॉमन पॉइंट, यही कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस, ऑल्सो नोन एज डी। और जो यहां पे होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं ए। इसमें अगर मैं nth टर्म की बात करूं, nth टर्म की, तो टी एन या ऑल्सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और बेटा आपको पता है अगर टी एन क्या है? यह लास्ट टर्म, दैट मीन्स अगर मैं यहां पे टी एन की जगह एल भी रख दूं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? यानी पर्टिकुलर आपने समझा कि सर ये बिलोंग कर रही है इन चीजों से। और अगर मैं अपीयरेंस बोलूं, इसको लिखने के तरीके, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए, देन अगला टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, अगला टर्म ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, डैश 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ गई? आई होप ये बात समझ में आ गई। तो यानी आपको पता चल गया भाई, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये प्रॉपर्टी सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी। अगर मैं बोलूं सम ऑफ एनेट टर्म्स क्या होगा? सम ऑफ एनेट टर्म्स, सम ऑफ एनेट टर्म्स, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऑल्सो नोन एज एन बाय टू ए प्लस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? a प्लस, इस टर्म को मैं एल की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, तो sn का फॉर्मूला ये भी हो गया आपके पास। बात समझ में आ गई? इन दैट केस आप कह सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर n, सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा किसी भी ap सीरीज में? सम ऑफ n टर्म्स ये होगा। यानी मैं अगर बोलूं बेटा सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? तो बेटा वो सिंपली आप याद रखोगे, सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? n n माइनस वन अपॉन टू, n n माइनस वन अपॉन टू। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि
आपके पास एक एपी है, A1, A2, A3, A4, डैश 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 An। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि A1 प्लस An का जो सम होगा वो A2 प्लस An माइनस वन होगा, यानी इससे पहली वाली टर्म के साथ 2 का सम होगा, थर्ड के लिए An माइनस 2, डैश 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 चलता रहेगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखी जाए। अगर मैं बोलूं कि भाई क्या कि किन्हीं भी एपी को, अगर मैं दो एपी को इफ बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड एनी टू एपीज द रिजल्टिंग सीरीज या सीक्वेंस आल्सो एपी होगा। बात समझ में, अगर किन्हीं दो ईपी को ऐड किया जा रहा है या माइनस किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, सबट्रैक्ट किया जा रहा है, इन दैट केस जो रिजल्टिंग सीरीज आएगी वो भी क्या आएगी, आपकी एपी आएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट टर्म अगर डिफाइन करें हम, कि अगर आपके पास तीन टर्म है ए बी सी आर इन एपी, ये किसमें, एपी में, तो आपके पास यहां पे क्या बन जाएगा, तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, दैट मीन बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई, और दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्थमैटिक मीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्थमैटिक मीन। बात समझ में आगे नहीं आगे? ठीक है, आई होप ये बात समझ में। अगर आपको नीड है बेटा, किन्हीं भी दो एपी क्वेश्चन में नीड है कि मुझे तीन एपी लेट करने हैं, तीन एपी टर्म को लेट करना है, ठीक है, अगर आपको किन्हीं तीन एपी टर्म को लेट करना है तो आप लेट क्या करोगे, थ्री टर्म्स क्या लेट करोगे, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। फोर टर्म लेट लेट करने बेटा तो क्या लेट करोगे, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी और ए माइनस ए प्लस टू डी। बात समझ में आगे नहीं आगे? ये आप ऐड करोगे इसे, ठीक, लेट करोगे भाई, चार चार एपी ये है, पांच करने हैं तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, छह करने हैं तो छह के अकॉर्डिंग मान लेंगे उसको, ठीक है। तो बेसिक ये एपी का फंडा समझ में आया, एपी किस तरह रिलेट कर रही है, ठीक। अगर हम बात करें इस पे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, लेट ए वन ए टू ए थ्री बी एन एपी सच दैट ए वन प्लस ए टू प्लस डैश 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 ए पी अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस डैश 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 ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू क्यू, बोथ आर नॉट इक्वल, देन ए सिक्स अपॉन ए ट्वेंटी वन इज इक्वल टू, आपको इसका क्या निकालना है कि 6 टर्म अपॉन 21 टर्म का रेशियो निकालना अगर आपके पास ये है। सिंपल सी बात, ये कहां तक का सम है, P तक का सम, तो सम ऑफ AP क्या होता है, N अपॉन 2 टू A, A कितना यहां पे A1 प्लस N माइनस 1, अब N क्या मानेंगे हम यहां पे P, क्योंकि P टर्म्स तक है, इनटू D अपॉन Q, ये Q टर्म तक का सम है, Q अपॉन 2 इज इक्वल टू 2A1 प्लस Q माइनस 1 T इज इक्वल टू पी क्यूब अपॉन। बात समझ में आ गई भाई? सिंपल सी बात, इससे ये कैंसिल, इससे एक स्क्वायर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर, दैट मींस 2A1 प्लस पी माइनस 1 डी अपॉन 2A2 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बेटा यहां डी सेम क्यों है, क्योंकि सेम एपी है, बस नंबर ऑफ टर्म ही तो चेंज हो गए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इन दैट केस अगर मैं यहां से दो कॉमन ले लूं तो A1 प्लस पी माइनस वन अपॉन टू पी, और ए टू नहीं ए वन होगा ये, क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म तो ये ए ही वन है, ए वन प्लस क्यू माइनस वन अपॉन टू डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। बेटा सिंपल सी बात, हमको पता है ए सिक्स टर्म क्या होगी, ए प्लस फाइव डी, और ए 21 टर्म क्या होगी, ए प्लस 20 डी। तो अगर मुझे यहां पे 20 चाहिए तो मुझे पी की वैल्यू क्या अगर मुझे यहां पे 5 चाहिए तो मुझे पी की वैल्यू क्या माननी पड़ेगी, दैट मीन मुझे पी की वैल्यू कुछ ऐसे माननी पड़ेगी जो 5 आ जाए, तो 11 माइनस 1 अपॉन, यानी अगर मैं P मान लेता हूं 11, तो देखो बेटा 11 माइनस 1 तो कितना आएगा 10, 10 बाय 2 5, बिल्कुल सही है। यहां पे कितना माना जाए 20 आ जाए, अगर मैं यहां 41 मान लेता हूं Q को, देखो जरा Q इज इक्वल टू 41, भाई Q की वैल्यू यहां पे 41 रखोगे तो 41 माइनस 1 अपॉन 2, यानी 41 माइनस 1 40 अपॉन 2 20, बिल्कुल। तो यानी मुझे क्या मानना पड़ेगा, A1 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा भाई 5D अपॉन A1 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 20D इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी रखी 11 का स्क्वायर अपॉन 41 का स्क्वायर,
ये कौन सा टर्म है, ये आपका सिक्स टर्म, और ये कौन सा टर्म है ट्वेंटी टर्म, ये आपका 21 टर्म, 11 का स्क्वायर 121, इसका स्क्वायर कितना होगा भाई 16, 81 आई थिंक, हाँ 16, 81, दिस इज योर रेशियो। बात समझ में आएगी, आई होप आपको ये बात समझ में आई, ठीक है, सिंपल सी बात। देखो अगर आप किसी समुद्र में खड़े हो ना, अगर आप ये मान लो कि आपके पास क्या है, एक समुद्र है, ओशन है, ओशन के आप बीच में खड़े हो, ओशन के बीच में खड़े, चारों तरफ पानी है, बात समझ में आ गई, चारों तरफ वे ऑफ वाटर है। अब यहां पे आप सबसे सेफ हो इस पोजीशन पे, यानी बीच में आप सबसे सेफ हो, बट समस्या ये है कि आप इस समुद्र में हमेशा नहीं रह सकते, आपको अगर सेफ जोन से, ये आपका सेफ जोन है, इस सेफ जोन से बाहर आना ही पड़ेगा, यानी स्ट्रगल जोन में आना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी होगी। आप सोच रहे हैं पर्टिकुलर टाइम है कंटिन्यू रखेंगे उस चीज को, लेकिन नहीं, आप एट अ पॉइंट तक सेफ जोन में है जब तक आप अपने आप को सुरक्षित मान लो, लेकिन एक ना एक टाइम पे आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, आपको अपनी किताबों की तरफ आना ही पड़ेगा, यही जीवन का सत्य है।